हूं हुसैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं न्यूज 21 राजस्थान। ये है हमारी दैनिक पेशकश नागौर हेडलाइंस। नागौर हेडलाइंस के अंतर्गत हम देश प्रदेश एवं हमारे नागौर जिले से जुड़ी समस्त खास खबरें हेडलाइंस के रूप में आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस। कोरोना अपडेट, बीती रात 9 बजे आई रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कल 82 नए केस के साथ आंकड़ा पहुंचा 2666। वहीं नागौर जिले में कल कोई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिली। राज्य में 1116 लोग अब तक हो चुके हैं ठीक। कोरोना वायरस के संकट काल में लॉयंस क्लब गोटन शताब्दी द्वारा पुलिस थाने गोटन में क्लब जोन चेयरमैन ऋषभ राठी व अध्यक्ष रविंद्र खोकर ने 3 टेम्परेचर गन की भेंट। कोरोना जांच की रिपोर्ट जल्द प्राप्त करने के लिए राज्य के 4 मेडिकल कॉलेजों में स्थापित होंगी सीबी नाट मशीनें। RT-PCR पद्धति पर आधारित इन मशीनों की जांच के परिणाम होंगे जल्दी प्राप्त। खींवसर के कार्यवाहक थाना अधिकारी निलंबित, विभागीय जांच का हवाला देकर SP डॉक्टर विकास पाठक ने किया निलंबित। SI भंवरलाल हैं खींवसर के थाना अधिकारी। देश में लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए बढ़ाकर कर दिया गया है। 17 मई तक देश भर के जिलों को बांटा गया है ग्रीन, ऑरेंज व रेड जोन में। नागौर जिला है रेड जोन में शामिल। इसे लेकर प्रधानमंत्री आज सुबह 10 बजे करेंगे एक बार फिर देश को संबोधित। डेगाना विधायक विजयपाल मिर्दा ने कल मजदूर दिवस के अवसर पर श्रम मंत्री टीकाराम जुली को पत्र लिखकर विभिन्न योजनाओं में पात्र श्रमिकों को जल्द सहायता देने की मांग। रबी की फसल खरीद की शुरुआत होने के बाद विधायक नारायण बेनीवाल ने क्रय विक्रय सहकारी समिति खींवसर का करवाया सैनिटाइजेशन एवं व्यवस्थाओं का जायजा लेकर दिए आवश्यक निर्देश। आज खत्म हो जाएगा दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण। उत्तर रामायण कांड के साथ सबसे प्रचलित शो होगा खत्म। इसके बाद दूरदर्शन पर पहले से ही चलने वाले सीरियल बुनियाद की होगी टेलीकास्टिंग। लॉकडाउन के चलते जिले के चिमरानी गांव में कामधेनु सेना द्वारा क्षेत्र में आसपास की लावारिस गोवंश हेतु उपलब्ध करवाया गया हरा चारा, साथ ही बीमार गोवंश को उपचार हेतु भेजा गया गो चिकित्सालय। पटन पुलिस ने शिव रोड पर इको गाड़ी में अवैध गुटखा व तंबाकू किया बरामद। थाना अधिकारी अशोक बिस्सु के अनुसार तलाशी पर लाखों रुपये की नकदी भी हुई है आरोपियों से प्राप्त। देश में एक दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को घर भेजने की कवायद में राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा रूट मैपिंग तैयार कर रेलों को दी हरी झंडी। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री व गृह मंत्री का जताया आभार। 3 मई से 17 मई तक लॉकडाउन के तीसरे फेज में शराब व पान की दुकानें रहेंगी खुली। दुकानदार को रखनी होगी ग्राहक से 6 फीट की दूरी। तो ये थी आज के अंक की नागौर हेडलाइंस। इसी तरह की हेडलाइंस लेकर हम आपके बीच में रोज हाजिर होते रहेंगे। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।